कि नेचर में यह होता है कि अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है ये संदूर से स्टार्ट लेती है, जैसे हमारे शना में कहते हैं कि जो सर्दियां हैं वो ऊपर से आती हैं, गर्मियां हैं जो नीचे से जाती हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर पानी का कम होता है वैसे वैसे ये मछली गर्म हो जाती है, तो अंदर लंगर से इसकी ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। इसी वजह से हर साल 9 अक्टूबर को हम मछली की फिशिंग के ऊपर बैन लगाते थे। उसकी बुनियादी वजह इनकी ब्रीडिंग है। ये ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें होता यूँ है कि फीमेल जाके ऐसी जगहों का इंतखाब करती है जहाँ पर डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है, जहाँ पानी का करंट नहीं होता है, वहाँ पर वो एक थोड़ा सा खड्डा बनाती है, उस जगह को साफ करती है। करने के बाद जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती है तो मेल आ जाते हैं। मेल बाहर बाकायदा उसके पास जाने के लिए उनकी लड़ाई होती है और दुनिया के कानून के मुताबिक ताकतवर जो होता है वो उसके साथ जाकर ब्रीडिंग करता है। ब्रीडिंग इनका टच होता है, टच होकर एक से मेल्ट आता है, मेल से फीमेल से अंडे आते हैं और ये पानी में ही इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अंडा जाके नीचे बैठ जाता है, फर्टाइल अंडा, उसके ऊपर फिर ये बजरी डालते हैं। और बाज़ कितना मतलब मुहक्किकीन ये लिखते हैं कि कुछ अरसे तक वो इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, बाकी उसके बाद वो चले जाते हैं। सबसे बड़ा नेचर में जो इस वक्त हमारी स्टडी है, तकरीबन जो है 1% इसकी सर्वाइवल रेट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मछली खुद अपने बच्चों को खाती है, ये कार्निवोरस है। इस वजह से जो है हम इसको जब इस तरह हम अपने फॉर्म्स में इसकी प्रोपगेशन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम आने वाले वक्त में अपने नेचर को भी इंशाल्लाह बढ़ देंगे। हम यहाँ पर हमारी जो नेचर की ब्रोन है उसकी भी हमने ब्रीडिंग की है, तकरीबन 70,000 तक इस वक्त हमारे पास उसके बच्चे जो है वो आ गए हैं। हम आज यहाँ खड़े हैं बुलमीका ट्राउट हैचरी में। ये हैचरी नई नई इस्टेब्लिश हुई है। हैचरी उस मुकाम को कहते हैं जहाँ पर अंडे से बच्चा बनता है। हमारे पास ब्रूड स्टॉक कारगर ट्रोट फार्म में रखे हुए हैं, वहाँ से हम अंडे निकालते हैं, उनको वहाँ फर्टाइल करते हैं, करने के बाद उनको साफ़ करके उनको लेके यहाँ आते हैं। मेरे पीछे ये जो फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है इसको हम अपनी ज़बान में इनक्यूबेटर कहते हैं। इसकी 10 ट्रेज है, एक ट्रे में जो है वो 7,000 अंडे होते हैं। इसी तरह ये एक की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 70,000 हो गई। तो ये इनमें हम ये अंडे रख लेते हैं और इस हर एक में जो है वो फ्रेश पानी दिया हुआ है। इनका सिस्टम ऐसा है कि पीछे से हर एक ट्रे को ताज़ा पानी मिलता है। पानी से मुराद ये है कि इनको ऑक्सीजन जो है फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाती है। इसमें ये जो है सब्जेक्ट टू वाटर टेम्परेचर 25-30-40 दिन के बाद इनसे जो एक वो निकलती है फर्टाइल अंडे के बाद जो फर्स्ट स्टेज होती है तो उसको कहते हैं सेक फ्राई। सेक फ्राई में ये होता है जैसे सेक उसके नाम से जाहिर होता है कि उसके नीचे कुदरत ने एक थैली रखी हुई होती है जिसमें उसकी फीड होती है। उस वक्त उसका मुंह बंद होता है, वो उसी से फीडिंग करता है और उसके बाद जाकर जिस वक्त वो सेक गायब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब जो है उसका उसके लिए खुराक जो है हम बाहर से देते हैं। अब उसकी टेक्नोलॉजी ये है कि जिस वक्त तक वो सेक होता है हमें बहुत कम नज़र आता है, वो डे बाई डे जो है कम होता जाता है जैसे जैसे ये कंज्यूम करती है। उसका पता हमें इस तरह चलता है कि इस स्टेज में इसकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है। प्रॉपर तरीके से जिस तरह मछली की मूवमेंट है वो नहीं होती है, अपवर्ड ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। जाकर जिस वक्त वो सेक पूरी तौर पे जब वो फीड कंज्यूम करता है बच्चा तो वो बच्चा जो है वो अपनी प्रॉपर तरीके से वो अपने उसमें आता है, मूवमेंट में आता है। उस वक्त अल्लाह की शान उसका मुंह भी खुल जाता है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि अब ये जो है ये इनिशियल स्टेज में आ गया है। उसके बाद हम उसकी फीडिंग करते हैं और हम उसको आउट करके जो है इनको हम जो है इनक्यूबेटर ट्रेज कहते हैं। हम इस ट्रेज में इसको रखते हैं, फिर इसकी फीडिंग करते हैं। इसकी फीडिंग वैसे यूरोप में तो उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर उसके अंदर ही हैचरी रूम के अंदर ही वो कल्चर करके इनको इनके मुंह के साइज के जू प्लैंकटन खिलाते हैं। हमने इस साल एक एक्सपेरिमेंट किया है, अल्लाह करे हम 1-2 साल में उसको फाइनल करेंगे तो हम भी उस टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। हम
हम यहाँ पर इस वक्त इनको जो फीड देते हैं वो हम लिक्विड फीड के नाम से हम जो है कलेजी वगैरह को ग्राइंड करके उसको बिल्कुल तकरीबन जो है मोटे पानी की शक्ल में लाकर इनको फीड देते हैं। उसके बाद फिर हम जो है अंडे को हम पूरी तरह उबालते हैं। उबालने के बाद उनको जाली के ऊपर रख कर उसके छोटे छोटे पीस बनाकर फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी डालकर हम इनको डाल लेते हैं, जो ये बड़ी शौक से खाती है। सबसे बड़ा इनका मसला जो होता है वो पानी का होता है, डीओ का होता है और सफाई का होता है। क्योंकि हमारे पास सारा काम मैनुअल है इसलिए हमें लेबरिंग में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर किया तो हम यहाँ से इंशाल्लाह 10 लाख तक हम यहाँ से बच्चे निकालेंगे और वो बच्चा जो है हम बाहर शिफ्ट करेंगे, फिर अपने फार्म में लाएंगे, फिर अपने फार्मर्स को हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। तो अगर 10 लाख बच्चा हमें निकालना हो तो हमें कम से कम 20 से 25 लाख अंडे यहाँ पर रखने पड़ते हैं, क्योंकि नेचुरली इनकी वो होती है मॉर्टेलिटी होती है। इस वजह से अगर 10 लाख बच्चा भी हम यहाँ से निकाल लें तो इस वक्त जो है इस बच्चे का रेट 8 रुपये का है फरवरी में, और 80 तकरीबन 8 लाख रुपये हम जो है यहाँ से कमा सकते हैं। तो अगर इस तरह हम तमाम हमारा इस तरह मैं थोड़ा सा ओवरऑल भी बताता चलूँ कि हमारे पास शिगर सिर्फ और सिर्फ हुंजा और नगीर में प्रोजेक्ट मिला है। हुंजा में अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं है। बाकी हमारे पास सिकरदू सबसे बड़ा रीजन होशो ट्रोट हचरी है, वहाँ इस साल इंशाल्लाह हम 10 लाख वहाँ से लेंगे, 10 लाख हम सोगा से लेंगे जो कि खपुल में है। अगर इस तरह हम तकरीबन जो है सिर्फ ग्यामर हमारे पास कुछ तो मतलब दो हमारे पास स्टेशन है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मतलब अफराधी कुव्वत तो है, लेकिन चूँकि वहाँ पर इस वक्त जो है जिस तरीके से हम चाहते हैं इस तरीके से हम वहाँ काम कर नहीं पाते, मुख्तलिफ किस्म के हमें मसाइल का फेस है। तो अगर ये तमाम हिचरियों को हम बैक वक्त अगर हम इनको ऑपरेशनल करें तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्त में फिशरीज डिपार्टमेंट जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। हम अपना बजट इंशाल्लाह जो है हम अपना बजट कम से कम अपना बजट हम इन हिचरियों से ही निकाल सकते हैं।